हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले आप सभी को संतान सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देती हूँ कि ये जो पूजा है ऐसे गधे बच्चों के लिए की जाती है जिनके थोड़ा सा मतलब संतान सप्तमी की जो पूजा है, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, संतान सप्तमी तो बच्चों के लिए की जाती है। तो कह रहे हैं अभी मैं लाला को थोड़ा सा चिढ़ा रही थी, क्योंकि ये सुबह से मुझसे पूछ पूछ के परेशान करके रहा कि मम्मा ये व्रत क्यों रहते हैं क्यों रहते हैं। तो उस समय से ही मजाक कर रही थी, लेकिन ये जो व्रत है अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए रहा जाता। तो चलिए मैं ब्लॉग को शुरू से शुरू करती हूँ। तो इसके लिए हमें कुछ भी पहन वो बगल में गए। तो अभी मैं यहाँ सोनी की दुकान में आ चुकी हूँ, और आप देख सकते हैं कि मुझे ऐसी रिंग लेनी पड़ेगी। मतलब इस व्रत में कुछ भी पहनने के लिए आपको चांदी का, सोने का, या कि कुछ भी छल्ला या कि चूड़ी वगैरह लेना होता है, तो इसको साल भर पहनना रहता है। तो मैं ऐसे रेडीमेड रिंग ले लेती हूँ, और इसमें 7 लाइनिंग बनवाना कंपलसरी है, क्योंकि संतान सप्तमी की रिंग में वो जरूरी होता है। तो मुझे ऐसी रिंग पसंद आती है, तो मैं इसी को ले लेती हूँ। फिर आज ही पूजा है, तो चलिए इसके बाद मैं घर आ चुकी हूँ, और यहाँ पे गुड़ रख देती हूँ पिघलने के लिए, क्योंकि इससे हम लोग पुए बनाने वाले हैं, जो कि इस प्रसाद में आज के दिन इसकी पूजा होती है और यही खाना रहता है। तो अभी मैं नारियल को घिस ली हूँ और किशमिश डाल देती हूँ, और जो मैंने यहाँ पे गुड़ चढ़ाया था पिघलने के लिए, तो उसको ठंडा करके और इसी आटे में पूरे में मिक्स करके और अच्छा सा आटा लगा लेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे पुए, बोलते हैं इसको, तो साथ साथ बनाने रहते हैं। तो इसके बाद मैं पुए बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। आप देख सकते हैं, तो ये जो छोटे साइज के हैं ये मैं पूजा के लिए बनाऊंगी, मतलब इसकी प्रसाद चढ़ेगा, इसी का हवन होगा, और यही मैं प्रसाद सबको बांटूंगी। और फिर इसी तरीके से अपने खाने के लिए बना लूंगी, जितना भी मैं खाऊंगी, छोटे साइज बड़े साइज का, मतलब ऐसा साइज बनाऊंगी कि जो मैं प्रॉपर साथ का साथ पूरा खा लूँ, क्योंकि ये सिर्फ मुझे खाना रहता है, को भी हम नहीं दे सकते हैं। तो इसके बाद सारी पूजा की हम लोग तैयारी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैं सब कुछ यहाँ पे रेडी कर ली हूँ, रेड कपड़े में बढ़िया आसन उसन सब कुछ लगा दी हूँ भगवान का। और यहाँ पे अभी चौक पूर लेती हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं चौक पूर रही हूँ, सिंदूर, हल्दी और आटे से चौक पूरा जाता है, और सब कुछ मैं तैयारी यहाँ पे कर ली हूँ लगभग। तो गंगा जल और वो सब कुछ मैंने रख लिया है, आप देख सकते हैं दूध भी मैंने रखा है। और इसके बाद चौक पूरने के बाद हम रख लेते हैं कलश, कलश रखने के बाद फिर दीपक वगैरह की तैयारी करेंगे। तो अभी मैं अब रख लेती हूँ कलश, और कलश यहाँ पे आम का टेरी होता है, तो अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं अभी नई जगह घर शिफ्ट करी हूँ, तो हर जगह मुझे यहाँ पे आसानी से चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो मैं ऐसे फूल पत्ती का कुछ भी रख ली थी, क्योंकि खाली नहीं रखा जाता है, और मेरे पास बेलपत्र भी नहीं है, दूबा भी नहीं है। तो अभी मैं भगवान को थोड़ा सा श्रृंगार कर देती हूँ। यहाँ पर पार्वती माता और शिव, गौरी, गणेश, मतलब पूरा शिव परिवार का यहाँ पर पूजा होता है आज के दिन, क्योंकि जो ये व्रत है बच्चों के लिए किया जाता है, तो गणेश भगवान का पूजा कंपलसरी है। और अभी गणेश चतुर्थी भी चल रहा है, तो जो ये व्रत संतान सप्तमी का हमेशा गणेश चतुर्थी में ही पड़ता है। तो अभी मैं भगवान को फूल वगैरह चढ़ा देती हूँ, और टीका वगैरह सब कुछ कर दिया है, तो कुछ फूल मैं कलश में चढ़ाई हूँ, भगवान को चढ़ाई हूँ। और इसके बाद गणेश भगवान को वस्त्र स्वरूप जनेऊ चढ़ा दूंगी, आप देख सकते हैं जनेऊ है ये। और इसके बाद फिर ये जो पुए रखे हैं सामने आप देख सकते हैं, तो अभी मैं गंगा जल निकाल लेती हूँ। गंगा जल के बाद फिर अभी इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ कि पूरे मैं गंगा जल ऐसे छिड़क दूंगी, तो गंगा जल बहुत पवित्र माना जाता है। इसके बाद मैं दीपक जलाऊंगी, और दीपक जलाने के बाद मेरी पूजा लगभग स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसी पूजा जो होती है बड़ी बड़ी, मैं पहली बार अकेले कर रही हूँ, मैं जनरली बाहर ही रहती हूँ, घर से 10-12 साल हो गए, लेकिन अभी मैं जहाँ रहती थी इसके पहले 9 साल रही हूँ, तो वहाँ पे मुझे कोई ना कोई फ्रेंड वगैरह सब मिल जाते थे, तो उनके साथ में कर लेती थी। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर अभी मैं हूँ तो कोई भी नहीं है, सब कुछ पीछे ही छूट जाता है, किरायादारों का तो यही हाल रहता है, आपको पता है। तो अभी उतना अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन इस बार के मेरे सारे त्यौहार ऐसे ही गए हैं, तो हर छठ भी मैंने थोड़ा सा ठीक ठाक माहौल हो गया था, लेकिन तीजा भी उतना खास नहीं मेरे को लगा, और ये तो बिल्कुल अकेले में कर रही हूँ, तो बस ऐसे ही है। इसके बाद अब मैं पूजा स्टार्ट कर दी हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं फल फूल चढ़ा देती हूँ भगवान को, और सारा कुछ फल फूल चढ़ाने के बाद और नारियल चढ़ा देती हूँ। जो नारियल है पानी वाला है, तो ये थोड़ा सा फोड़ने में दिक्कत करता है, तो देखते हैं कि कोई ना कोई तो फोड़ ही देंगे, चलिए घर में। और इसके बाद और बजाओ बजाने में, और बजाओ और बजाओ, बहुत अच्छा, ये सबसे अच्छा था। दो हो गए, एक और, एक और, बहुत अच्छा, ये सबसे अच्छा था। दो हो गए, एक और, एक और, ठीक। तो
अभी मैं यहाँ पे पुए वगैरह चढ़ा देती हूँ प्रसाद का और अपने खाने वाले का ही सभी भगवान को चढ़ा के और बस रख देती हूँ। तो अभी जब यहाँ पे जो रिंग लेके आई थी मैं, उसका भी टीका पूजा करना होगा और भगवान को चढ़ाना रहता है। तो रिंग ये है मेरी और इसको भी मैं थोड़ा सा हल्दी सिंदूर वगैरह रख लगा के और टीका वगैरह करके भगवान को चढ़ा दूँगी। तो इसको सबसे पहले मैं दूध में धुलूंगी और दूध में धुलने के बाद फिर गंगा जल में धुलूंगी और गंगा जल में धुलने के बाद पानी में धुलने के बाद फिर इसको भगवान को टीका करके चढ़ा देते हैं। और ये जो रिंग है ये मुझे साल भर पहनना रहता है, तो अगर आप साल भर नहीं पहनना चाहते हैं तो इसको 7 दिन के अंदर अंदर पूजा करने के कभी भी उतार के रख सकते हैं, लेकिन मैं जनरली साल भर पहने रहती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। शंख को धुल के रखना ना अच्छे से, मंदिर पे ही रख देना चाहे, नहीं अब मंदिर पे रख दो। माता जती पार्वती पिता महादेव तो अभी फाइनली मेरी पूजा पाठ सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद हम लोग लगाएंगे हवन। जो मैंने छोटे छोटे पुए बनाए थे तो जो इसका हवन होता है उसी पुए को लगाना रहता है और घी और गुड़ और पुए के साथ मैं हवन लगाऊंगी। तो ये छोटा छोटा मैं तोड़ लेती हूँ। अगर आप इसको पूरा कंप्लीट डिटेल पूजा विधि देखना चाहते हैं तो अलग से मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने सिर्फ विधि बताया है, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में बताया है और ये पूरा कंप्लीट ब्लॉग है, जैसे जैसे मैंने किया है वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर की हूँ। तो इसके बाद हवन के बाद अब जो रिंग मैं चढ़ाई थी यहाँ पे पूजा करके तो उसको मैं पहन लेती हूँ। तो इसको सीधे हाथ में पहनना रहता था, मेरे पिछले साल की है तो इसको मैं उतार के रख दूँगी और इस साल की अभी पहन लेती हूँ। तो जनरली मैं साल भर पहने रहती हूँ तो मैं मुझे 7 दिन के अंदर नहीं उतारती, और जिनको साल भर नहीं पहनना तो 7 दिन के अंदर कभी भी उतार के रख सकते हैं। तो अभी मैं पूजा पाठ सब कुछ कंप्लीट कर ली हूँ, भगवान से अब प्रार्थना वगैरह कर लेती हूँ कि सभी माताओं बहनों की गोद ऐसे हरी भरी रहे और सबके बच्चे स्वस्थ रहें सलामत रहें, बस यही दुआ है मेरी। तो अब इसके बाद कंप्लीट होने के बाद और आसन वगैरह को थोड़ा सा हिलाना रहेगा, क्योंकि जितने भी हम लोग भगवान वगैरह बुलाते हैं पूजा पाठ के लिए तो पूरा पानी वगैरह में सब कुछ वो कर दूँगी, उतार दूँगी और इसके बाद आसन हिला दी हूँ। और इसके बाद जो भी मेरा सब कुछ बचा था, दूध दही गंगा जल वगैरह जो कुछ भी रहता है, ये सारा कुछ मैं तुलसी में जाकर डाल दूँगी। और इसके बाद ये जो पुए हैं ये मैं खाऊँगी, क्योंकि आज के व्रत में मुझे सिर्फ यही खाना रहेगा और ये साथ का साथ पूरा मुझे खाना रहेगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो मैं दही के साथ खा लेती हूँ, नमक वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। और जो 7 पीस मैंने बनाया था तो इसको प्रसाद दे दूंगी सबको। तो फाइनली मेरा व्रत कंप्लीट हो गया। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अभी मेरा पूजा पाठ वगैरह कंप्लीट हो चुका है और ब्लॉग थोड़ा सा लेट आएगा, हो सकता है कल अपलोड हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मैं अभी थक गई हूँ। पूजा की अकेले तैयारी वैयारी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और मैं तो बहुत जल्दी थक जाती हूँ। तो